विश्व पर्यावरण दिवस पर जोधपुर नगर निगम की ओर से नांदड़ी गौशाला में मंगलवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 500 पौधे लगाए गए। महापौर घनश्याम ओझा ने कहा कि आज पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इस कारण कई परेशानियां आ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना आवश्यक है। वहीं विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि सभी लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए अपनी भूमिका समझते हुए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने चाहिए। कार्यक्रम में विधायक कैलाश भंसाली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद में सभी लोगों ने पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की शपथ भी ली। और पौधे लगाना तो अति आवश्यक है, तो अपना कोई जीवन सफल हो ही नहीं सके, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है, अगर मैं कह दूं कि कई कह करे भिनको री मायन रुको री छायो, और भारत रो प्रधानमंत्री खुद स्वयं आचावे कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए, वातावरण सुधरे, बरसात आवे, इन पौधों के ही, और पौधा एक ही नहीं है, कई तरह का पौधा हुआ करे। सबसे पहले है पीपल रो वृक्ष, खेजड़ी, सब निरापद है, और निरा मतलब एक कहावत है कि हर फंक्शन रमाओ ने काम आउनी चीजा है, हर पर्यावरण ने शुद्ध करने वास्ते है। अति मस्त कार के कारण लोगों ने पेड़ों के अंदर कटाई की, पहाड़ों की कटाई कर दी, पानी के जल स्रोतों के रास्ते बंद कर दिए, इस कारण प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज जोधपुर शहर भी अभी प्रदूषण के मामले देखें तो दुनिया में नंबर वन के कहा जाता है। हालांकि उसका कारण यहाँ की मिट्टी और धूल है, लेकिन कहीं ना कहीं अलार्मिंग चीज़ों से हमारे लिए है। नगर निगम, ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ये प्रयास कर रहा है कि शहर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाए, और हमने आज इसकी शुरुआत कर दी है।